अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पैरामेडिक्स करियर। बीएसएफ में रिक्रूटमेंट है पैरामेडिकल और वेटनरी स्टाफ के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट: स्टाफ नर्स, ओटी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल। और वेटनरी स्टाफ में जो है वो वेटनरी ग्रुप सी और केनेल मैन ग्रुप सी, ये पोस्ट है। आइए डिटेल देखते हैं। स्टाफ नर्स इसके लिए जो है 37 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 14 हैं, ईडब्ल्यूएस 3, एससी 5, एसटी 2, ओबीसी 13, लेवल 6 है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है 10+2 और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सिंग प्रोग्राम। और रजिस्ट्रेशन चाहिए इसमें जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में। और डिज़ायरेबल में जो है एक्सपीरियंस है ट्यूबरक्लोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ और पीडियाट्रिक्स और साइकेट्री डिपार्टमेंट में। इसकी एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स। ऑपरेशन थिएटर इसके लिए 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए, इसमें एज 20 to 25 ईयर और लेवल 5 है। इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 विद साइंस और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर और सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। ये गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से चाहिए। इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए जो है वो 28 पोस्ट हैं, इसमें जनरल के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 7 है। टोटल 28 पोस्ट हैं, 18 to 25 ईयर इसका एज लिमिट है, लेवल 5 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है 10+2 विथ साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल इसके लिए जो है टोटल 9 पोस्ट है, जनरल के लिए 2 है और एसटी के लिए जो है वो 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, लेवल 3 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन पास इन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। और इसमें जो है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड और 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। और वेटनरी के लिए जो है वो एचसी वेटनरी ग्रुप सी इसके लिए 20 पोस्ट है, जनरल के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए जो है 3 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, लेवल 4 है, 12+। यहाँ पे मिनिमम पासिंग 1 ईयर कोर्स ऑफ वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। कॉन्स्टेबल केनेल मैन ग्रुप सी इसके लिए 15 पोस्ट है, जनरल के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 1 है, ये भी लेवल 3 है। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ऑफ वेटनरी कॉलेज ऑफ और गवर्नमेंट फॉर्म, यहाँ से जो है एक्सपीरियंस चाहिए। इस तरह से ये डिटेल है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको डब्ल्यू डब्ल्यू
www.bsf.gov.in, ये वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसकी जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 27/6/2021 से, क्लोजिंग डेट जो है वो 26/7/2021 तक है। अप्लाई करने से पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।